ये है TVS Jupiter 125 सीसी के सेगमेंट में बहुत ही अच्छा स्कूटर है ये। इस सीसी में बाकी जितने भी सारे स्कूटर्स आते हैं उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर 5 ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको बाकी के स्कूटर्स में देखने को नहीं मिलते। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक ड्रम एलॉय के साथ, एक डिस्क ब्रेक के साथ और एक एक्स कनेक्ट के साथ। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ड्रम एलॉय का जो प्राइसिंग है ऑन रोड वो है 98,000 रुपीज़, डिस्क ब्रेक के साथ आता है 1,02,000 रुपीज़ और जो एक्स कनेक्ट का जो वेरियंट आता है वो है 1,09,800 रुपीज़ ऑन रोड सूरत की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए गाड़ी में फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं चलिए वो चेक करते हैं। फ्रंट में आपको LED टेक अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर जो है इसका लोगो है, मतलब पूरा LED सेटअप में ज़्यादा हाई बीम और लो बीम के साथ। पहले मैं चालू कर देता हूँ और यहाँ पे आप दो टर्निंग इंडिकेटर्स भी एक बार देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं चालू कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है आप इसका जो है बजर साउंड भी सुन सकते हैं, काफ़ी साइलेंट है। और हेलोजन बल्ब के साथ जो है इसका टर्निंग इंडिकेटर्स मिलता है। फ्रंट का जो लुक है वो सिल्वर और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है मैट ग्रे कलर में वो देखने को मिलता है। पहले मैं बंद कर देता हूँ तो इस तरह का जो है कुछ फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं। और नीचे के साइड में आपको जो है ये एलॉय व्हील्स मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है दोनों ही साइड में। और टायर प्रोफाइल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है ट्यूबलेस टायर्स आपको देखने को मिलता है दोनों ट्यूबलेस फ्रंट और रेयर दोनों में। देखो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मेंशन किया हुआ है एंड टायर सेक्शन देख सकते हैं 90, 90 और 12। रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड में मिल जाते हैं। इसकी खास बात ये है कि इस मतलब स्कूटर में जो है ज़्यादातर पार्ट जो है वो मेटल के यूज़ किए गए। अब इससे क्या होता है कि जब भी आप रास्ते पर चलाते हैं तो गाड़ी जो है वो एकदम स्टेडी रहती है, इसका मतलब गाड़ी जो है वो रास्ता नहीं छोड़ती। इस स्कूटर की एक खास बात ये भी है कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो फुट रेस्ट है ना ये इतना बड़ा है, मतलब आपको कहीं पर सामान अगर ऐसा कुछ रखना है तो आप आराम से रख सकते हैं, कहीं पर भी आपको हम्प या ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए, वॉलेट रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और कीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हुक मिल जाता है जिसका कुछ कैपेसिटी है 3 kg तक का कुछ सामान जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। देखो 3 kg मैक्स लिखा है। और दूसरी जो मेन बात है कि फ्यूल आपको डालना है तो आप यहीं से डाल सकते हैं, आपको सीट ओपन करने का या ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। देखो यहाँ पे भी एक सीट के नीचे भी आपको एक हुक दिया गया है, अगर आपको कुछ हैंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी चलिए साइड में अगर देखें तो देखो यहाँ पे जुपिटर का जो है वो भी लोगो है। फुट रेस्ट जो है रेयर पैसेंजर के लिए वो भी दिया है विद लॉक सिस्टम, जुपिटर 125 का विद लोगो दिया है। पूरा स्कूटर में आप देखेंगे ना तो कहीं पे भी स्टिकर्स का यूज़ नहीं किया है, प्रॉपर सभी जगह पे आपको जो है लोगो ही देखने को मिलेगा। इससे जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे अगर आपको ऑयल चेक करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेयर में भी आप देख सकते हैं कि एलॉय व्हील्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। फ्रंट और रेयर में टेलीस्कोपिक जो है वो सस्पेंशन मिल जाता है। और रेयर में देखो लाइट का कुछ सेटअप जो है वो इस तरह का है, TVS का लोगो है। ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है और इसमें ये जो कुछ रिफ्लेक्टर दिया है रेड कलर का, ये ग्रैब हैंडल्स काफ़ी स्टर्डी है जो बॉडी कलर के साथ जो है मैच हो रहा है। और रेयर में भी एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है और नंबर प्लेट के लिए जो है प्लेसमेंट मिल जाता है। सस्पेंशन जो है रेयर में वो भी मोनोशॉक मिलता है विद 3-स्टेप एडजस्टेबल, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फुट रेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन के ऊपर जो है TVS का यहाँ पे लोगो दिया है। और ये किक भी मिलता है, किक स्टार्ट भी आप गाड़ी का जो है कर सकते हैं। स्टैंड डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों ही आपको गाड़ी में देखने को मिलता है और इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। फुट रेस्ट आप देख सकते हैं, ये लॉक सिस्टम के साथ आता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अगर हम लोग ओवरऑल अगर स्कूटर को देखेंगे तो ग्रे कलर में काफ़ी अच्छा है। इसमें टोटल आपको 3 कलर्स जो है गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, एक एक ऑरेंज, ब्लू, ग्रे और वाइट, टोटल जो है 4 कलर्स आपको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। और एक बार हम लोग इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ से की से ही जो है पुश करके ओपन करना है। तो बूट स्पेस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, 33 liters का जो है वो बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है, मतलब 2 helmet आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। ये सेगमेंट में ये एक पहला ऐसा स्कूटर है जिसके अंदर आपको जो है इतना बड़ा सा स्पेस मिलता है। और इसकी जो सीट है ना वो भी काफ़ी बड़ी है, देखो स्टोरेज इतना बड़ा है ना, आप आराम से 2 helmet जो है वो
रख सकता है। अंदर लाइट्स या ऐसा कुछ नहीं दिया, बट स्टोरेज जो है वो काफ़ी बड़ा है। सीट्स भी देखो काफ़ी प्रीमियम है। स्टिचिंग का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसकी सीट इतनी बड़ी है कि तीन लोग जो है ना वो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो सिटी के लिए, हाईवे के लिए, दोनों के लिए ही जो है ये स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं आपको एक बार इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। तो कीज़ जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। TVS एंड यहाँ पे जो लोगो है वो आप देख सकते हैं, दो कीज़ आपको मिल जाते हैं। इसका मीटर अगर मैं दिखा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का दिखता है। डिजिटल प्लस एनालॉग जो है इसका मीटर देखने को मिलता है। बटन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट के लिए, एंड ये हेडलाइट्स जो ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। पावर इको मोड जो है वो भी आप यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं, इको मोड यहाँ पे। मीटर अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो फ्यूल इंडिकेटर, टाइम, किलोमीटर्स, ऑडोमीटर, ये सब कुछ जो है आपको इसी में देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो है आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं, कितना किलोमीटर चला है ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडोमीटर। सो इस तरह का जो कुछ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम का जो है ना वो ऊपर के साइड में यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट लग रहा है। जब भी आप स्कूटर चलाएंगे तो भी आपको देखने में भी मज़ा आएगा। हाई बीम, लो बीम का यहाँ पे स्विच है। पास लाइट का भी इसी में स्विच है। टर्निंग इंडिकेटर्स, हॉर्न, हॉर्न का साउंड एक बार सुन लीजिए, कुछ इस तरह का हॉर्न आप इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल जो TVS जुपिटर है वो काफ़ी अच्छी है 155 cc सेगमेंट में। और इसका आप एक बार एग्जॉस्ट सुन लीजिए, कुछ इस तरह का जो है इसका एग्जॉस्ट है। स्मूथ है गाड़ी, काफ़ी स्मूथ है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 57 का जो है गाड़ी माइलेज दे देती है। और कुछ इस तरह से इसका जो मीटर है वो स्टार्ट होता है। सो माइलेज की बात करें तो 57 का जो है इसमें आपको माइलेज मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी है 5.1 लीटर्स का, मतलब कि अगर आप एक बार अगर टैंक फुल कर दें तो ये आराम से जो है ये 300 किलोमीटर्स तो आराम से चली जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, सिटी और हाईवे दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेट्स आपको मैंने पहले ही बता दिए कि ड्रम ब्रेक्स का जो प्राइस है वो है 98,000। किसी को ब्लूटूथ वाला वेरिएंट चाहिए तो वो ले सकता है, बट उसका प्राइसिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1,09,800 रुपीज़। मतलब उसके अंदर सारे फीचर्स आ जाते हैं जैसे कॉल अलर्ट्स, मैसेज, वो सब। बट अगर किसी को नई रिक्वायरमेंट है तो ये नॉर्मल वेरियंट जो है वो भी ले सकते हैं। बाकी जितने भी स्कूटर्स आते हैं इन सेम सेगमेंट में, जितने मतलब 125 cc के सेगमेंट में, उससे जुपिटर 125 इसलिए खास है क्योंकि ज़्यादातर इसके जो पार्ट्स हैं ना वो सारे मेटल्स के हैं। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट जो है इसमें आपको सीट मिल जाती है ये सेगमेंट में 790 mm की। तीसरा कि इसके अंदर जो है आपको एक्सटर्नल फ्यूल बार मिलता है, मतलब पेट्रोल आपको सीट ओपन करके भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा कि लार्जेस्ट जो है आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। और पाँचवा कि इसका जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आपको कुछ आगे भी अगर आपको सामान रखना है वो भी रख सकते हैं। और छठवा एक एक्सटर्नल बता दूँ, जो माइलेज जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस, ये था ओवरऑल वीडियो जुपिटर 125 के बारे में। जितने सारे डिटेल्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपके साथ एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ।